रंग पावन को वैष्णवे नमो नमः नम महावदनाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतुसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिकाकांत श्री राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय प्रियाय केशव सखम कृष्ण भक्ति प्रज देवी सत्यवत कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासि गौर भक्त वृंद बल हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 बल हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे। सर्वप्रथम हरे गुरुपाद पद्मा नितलीला प्रविष्ण विष्णु पाद अष्टोत्तर सदश्री श्री श्री माधु भक्ति श्री रूप सिद्धांत गोस्वामी महाराज के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरु पाद पद्मा नितलीला प्रविष्ण विष्णु पाद अष्टोत्तर सदश्री श्री श्री माधु भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज के चरण सरज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित वैष्णव वैष्णवी सभी को मैं यथाजोग्य प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्ण। गत कल हम लोग श्रवण कर रहे थे श्रीमान चैतन्य महाप्रभु कैसे विष्णु के खटिया के ऊपर बैठ गए, बैठ करके अपना तत्वों को महाप्रभु बता रहे थे। किसने द्रौपदी की लाज मैंने ही द्रौपदी का लाज मैंने ही बचाया है। इस समय मगरमच्छ ने हाथी को पकड़ करके अंदर में खींच करके ले जा रहा था। उसने जब कमल खोल ऊपर उठा करके मेरे को बुलाया, किसने उस समय मगरमच्छी को किसने मारा, हाथी को किसने बोले मैं नहीं उसको बंद कर क्या किया है। जिस समय पांडव लोगों को मारने के लिए कौरव ने लाख्या गृह बनाया था, कहते जिस समय आग लगाए जलाने के लिए बोले उनको किसने बचाया, कहते मैं नहीं बचाया। इसलिए कहते वृकासुर को किसने वध किया, बोले मैं नहीं वध किया है। इसलिए जो कुछ है कहते सब कुछ मैं नहीं किया है। लेकिन अभी वही कृष्ण अभी मैं सच्चिदानंद गौर कलयुग में कीर्तन धर्म प्रचार करने के लिए जगत में मैं अवतीर्ण हुआ हूँ। जितने सारे वेद हैं किसको आश्रय किए हुए, बोले मेरे को ही आश्रय किए हुए हैं। इसलिए भक्त लोग ही मेरे पिता माता भाई बंधु, भक्त ही सब कुछ मेरे हैं। इसलिए न होता हूँ केवल भक्तों को रक्षा करने के लिए है। परित्राण है साधु नाम विनाशाय च दुष्कृता धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि साधु विग्रस्त हृदय भक्त भक्त जन प्रिय। इसलिए अहम भक्त पराधीना, इसलिए भक्तों का पूर्ण रूप में भक्तों का अधीन में मैं रहता हूँ। यह स्वतंत्र इव इसलिए संपूर्ण रूप में जो साधु है मेरे हृदय को संपूर्ण रूप में ग्रास तो कहीं मेरे को संपूर्ण अपना प्रेम
मेरे को कंट्रोल कर लिया है, इसलिए कहते इसी जगत में है, इसलिए भक्त लोग मेरे को छोड़कर जानता है और मैं भी भक्तों को छोड़कर के कुछ नहीं जानता हूँ। कहते कृष्णाम वर्णम तिसाम अकृष्ण सांग पांग महाराज नव जोगेंद्र को प्रश्न कर, नव जोगेंद्र को प्रश्न अवतार कौन है, है? कलयुग में उनको के तब श्री नव जोगेंद्र ये श्लोक को बताए। कहते कलयुग में जो अवतार है, मैं स्वयं कलयुग में सचिनंदन गौर हरि बन करके आऊंगा, इसलिए कृष्ण वर्णम जो कृष्ण और स्ना ये जो दो अक्षर हर समय वहां पर हर समय कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाहि राम राघव राम राघव राम राघव रक्षम, जो हर समय जो कृष्ण होते हुए भी कृष्ण नाम को जो हर समय ग्रहण करेगा। कल्तिसाम अकृष्ण, लेकिन उनका अंग कांति कैसे होगा, बोले अकृष्ण मतलब काले नहीं, वो गोरे बन करके आएंगे, क्यों कलयुग में राधा रानी की अंग कांति लेकर के वो आने वाले, इसलिए कलयुग में जो बुद्धिमान व्यक्ति होंगे संकीर्तन रूपी यज्ञ के द्वारा उनको आराधना करेंगे, इसलिए यहाँ कह रहे हैं तद अहम भक्त पराधीन बोल दिया ना वहां पर प्राण ही कृष्ण कृष्ण प्राण ही वैष्णवा धरन्ते वैष्णवा कृष्णम कृष्ण स वैष्णवम तथा। देखो यहाँ पर कितना बहुत अच्छी श्लोक यहाँ पर बताए हैं, कहते भक्त लोगों का कितना महिमा भक्तों का, यहाँ कह रहे भक्त प्राण ही कृष्ण से, बोले कृष्ण का प्राण क्या है, बोले भक्तों, कहते भक्तों का प्राण क्या है, बोले कृष्ण, कृष्ण का प्राण भक्त और भक्त का प्राण कृष्ण, बोले कृष्ण और ध्यान थे वैष्णव कृष्ण, इसलिए वैष्णव लोग किसको हर समय ध्यान करते हैं, बोले कृष्ण को, बोले कृष्णम स वैष्णव तथा, जैसे वैष्णव लोग हर समय कृष्ण को ध्यान करते हैं और कृष्ण किसको ध्यान करते हैं, बोले वैष्णव, वैष्णव कृष्ण को ध्यान करते हैं और कृष्ण वैष्णव को ध्यान कर, दोनों को ही ध्यान करते हैं, इसलिए बोले मई निर्बंध हृदया साधव समदर्शन बसे कुर्पन्ति माम भक्त्या सत स्त्रीय सतपति जथा, बोले मई निर्बंध हृदया साधव समदर्शन, इसलिए कहते जो भक्त लोग है क्या कहते हैं, मेरे हृदय को संपूर्ण रूप में मेरे को बसीभूत कर लिया है, बोले कई उदाहरण देते हैं, बोले सात पत्नी जैसे एक पतिव्रता नारी अपनी पतिव्रता धर्म के द्वारा पति को संपूर्ण बसीभूत कर लेती है और इतना बसीभूत कर लेती है ना, और स्त्री के अंगुल पर पति बैठता है उठता है, है? क्योंकि वो पतिव्रता नारी है और पति को छोड़कर और किसी को जानती नहीं और इतना सेवा करता है पति को, इतने सेवा पति को करता है, पति उसका प्रेम में संपूर्ण रूप में उसका प्रेम में वशीभूत हो जाता है पति, हैं? इसीलिए पति दिन भर काम करता है, काम करके दिन भर काम करके पैसा कमाएगा, हैं? जो पैसा कमाएगा महीना को बाद में हो नहीं तो रोज रोज हो, पैसा तो सारे कमाएगा लेकिन पैसा ला कर किसको देगा, किसको देगा, पत्नी को दे देता है सारे पैसा, अगर पत्नी से पैसा मांगता है ना 100 रुपया दे तो पत्नी बोलेगा इतना पैसा क्या करो, बोला इतना पैसा क्या करो, बोले ये काम, बोले नहीं इतना पैसे की जरूरत है 50 रुपया में हो जाएगा, इतना रुपया पचास, पति को 50 रुपया लेना ही पड़ेगा, वो बोल नहीं सकता है पैसा मैंने कमाता हूँ मेरे को दो, बोले क्यों, उनको पता है ना ये पतिव्रता नारी है, ये घर को यही चलाती है, घर को चलाने वाली यही है, इसलिए और घर कितने पैसा में चलेगा उसको पता है, हैं? इसलिए वो संपूर्ण रूप में पति को बसीभूत कर लेती है, भगवान कहते हैं
कुर्वन्ति मां भक्त्या। भक्त लोग मेरे को क्या करते हैं, एकदम अपना प्रेम को द्वारा, पूरा के पूरा प्रेम को द्वारा वो हमें वशीभूत कर लेते, मेरे को उठाते बैठाते, हाँ उठाते बैठाते, जैसे मैया जसोदा कन्या खुले बैठ चुप करके, कितना रो रहे, अभी घर का काम खत्म हो जाए फिर खाना खाओ, मकर खाओ, और कृष्ण चुप कर बैठ जाते हैं, चुप कर कहीं पर बैठ, इधर उधर नहीं, राधा कुछ है, मतलब इतने प्रेम को द्वारा इतने वशीभूत कर लेते हैं भगवान को, भगवान पूरा उनका प्रेम में पूरा वशीभूत होकर के, अगर गोपियां कहते कन्या है मक्खन खिलाएंगे, तो नाच लगा नाच करके दिखाओगे, कृष्ण नाचना शुरू कर देते हैं, गोपियां कहती हैं फिर कन्या अगर ये है ना जो गोबर का जो टोकरी अगर हमारे सर पर उठा लोगे, एक मक्खन की डेला मिलेगा, बोले एक मक्खन का डेला मिलेगा, बोले हाँ, बोले ठीक है मैं उठा दूंगा, बोले कितना उठाऊंगा पता कहीं चलेगा, जितना बोले जितना तुम गोबर का सर पर टोकरी दोगे ना उतना गोबर का टोका तुम्हारे सर पर लगा दूंगा, पता चल जाएगा ना इतना उठाया और उतना मक्खन का डेला मिलेगा। एक गोपी क्यों कहती है, बोले कृष्ण तो आते हैं दूर से दर्शन करके, जैसे जब टोकरी जब सर के ऊपर देगा ना, देखना मुंह के पास मुंह आ जाता है, तब तक टोकरी सर पर दे सकते तो मुंह के पास, इसलिए गोपियां कहती हैं ऐसे सुजोग मिले जैसे कृष्ण का जो मुख है तो पास में जैसे दर्शन मिले है, इसलिए एक एक गोबर का ठोपा लगा देते, एक दो गोबर का ठोपा लगा दिए, जब कृष्ण घर में आए, अभी तो मक्खन का डेला दिए नहीं, कल उठाए जब इतने में आए, भैया ने बोले इसे क्या गोबर का ठोपा किसने लगा दिया है, भैया मेरे मजदूरी ने खत्म कर दिया, हाँ मैंने कहा था इतना ठोपा लगाओ इतना हमें मक्खन के डेला मिलने वाले थे, मेरे सारे मजदूरी तुमने खत्म कर दिया, मतलब भगवान भक्तों को प्रेम में इतने वशीभूत हो जाते हैं, भक्त भगवान को उठाता है बैठ देता है, भैया कान मोल देती है, कान पकड़ कर उठा देती है, देती है खबरदार ये करो तो डंडा पड़ेगा तेरे, बोरे डंडा पड़ेगा, कृष्ण को भक्त एकदम मेरे को बांध देते हैं। अभी ये शांतिपुरी में अभी भगवान वहां पर अपना भक्तों के साथ में कीर्तन कर रहे हैं, भक्तों के साथ में कीर्तन कर रहे हैं, कह रहे हैं मानो जैसे श्री चैतन्य महाप्रभु नवद्वीप में श्री श्रीवास जी को घर में जैसे नृत्य थे, ऐसे ही पूरा शांतिपुर क्या हो गया, पूरा गोलोक वृंदावन बन गया है, शांतिपुर गोलोक वृंदावन बन गया, इसलिए यहाँ पर महाप्रभु करुणा गौर चंद्र महाशय दोष नाही देखे प्रभु, कहते महाप्रभु कैसे हैं, बोले महाप्रभु करुणा सागर दया की भगवान कृपा की समुद्र हैं, बोले कैसे, बोले दोष नाही देखे प्रभु गुण मात्र लय, कहते भगवान के अंदर में एक विशेष गुण है, भगवान भक्तों का वह किसका, भगवान दोष नहीं देखते हैं, भगवान केवल गुण ग्रहण, अगर भगवान हमारी दोष देखना शुरू कर देना हम एक दिन भी मंदिर में रह नहीं सकते हैं, ये मंदिर छोड़ कर जाना पड़ेगा, और एक दिन अगर भगवान हमारी दोष अगर देख लिया, क्यों हम लोग तो ऊपर से साधु का वेश है, लेकिन अपना हृदय को झांक करके देखो कितना काम क्रोध लोभ मोह अंदर में, कितने गंदी गंदी भावना है हृदय में कितने गंदी गंदी चिंता, घर मंदिर में शरीर तो मंदिर में है, लेकिन अगर ये मन कहाँ पर है, पता नहीं मन अपना अपना कहाँ कर रहा है, ऊपर से तो साधु है, साधु का कोई स्वभाव है हृदय में कितने काम क्रोध लोभ, हृदय में कितने गंदी हृदय में बैठा हुआ है, इसलिए हमारे बामन गोस्वामी वो बोलते थे रोज रोज दो कीर्तन रोज कर लेना, दो कीर्तन को रोज करने के लिए कहते थे, बोले वो दो कीर्तन किया है, बोले एक कीर्तन है
हमार जीवन सदा पापे रहता नहीं कब पुण्य रही। बहुत बढ़िया कीर्तन भक्ति विनोद ठाकुर ने पूरा हमारे हृदय को उन्होंने बाहर निकाल कर रख दी है। पर सुखे दुखी पर दुखे सुखी है, सदा हिंसा गर्भ विभूषण हर समय हिंसा गर्भ छल कपट में हमारे हृदय भरा हुआ। अगर इसको भलाई देख लो ना हृदय तुम जल जाती है। इसको भलाई देख लो, अगर किसको अंदर दुख देख लिया ना अच्छा हुआ। ऐसे होना चाहिए, ऐसे उसको दंड मिलनी चाहिए है, ऐसे करता रहता है। इसलिए कहते हमारे जीवन सदा पापे रहता नहीं कर पुण्य लेस। हमारे जीवन में एक बूंद भी कोई पुण्य है नहीं, पाप ही पाप है। हिंसा गर्भ विभूषण किस चीज की हम विभूषण है, हिंसा द्वेष कपट छल प्रपंच में हृदय हमारे भरा हुआ। इसलिए जो कीर्तन है ना पूरा भक्त विनोद ठाकुर हमारे हृदय को उघाड़ करके सामने एक रख दिया। इसलिए बामन को स्वयं रोज कीर्तन पर। और दूसरा कीर्तन है गोपीनाथ मम निवेदन, क्या कीर्तन है। अगर सचमुच से ये कीर्तन को रोज रोज बैठ बैठ कर रोज ये कीर्तन कोई करे ना, सचमुच से कीर्तन करे है। इसलिए भक्ति विज्ञान भारत महाराज कहते थे ना कर सब वैष्णव से एक एक हमने मंत्र लिया है। कहते भक्ति रखक श्रीधर गोस्वामी महाराज क्या मंत्र लिया, कहते उनसे मंत्र लिया। कभी कभी क्या होता है हम तो गाना गा लेते हैं लेकिन जो क्या गा रहे हैं ना वो चीज को हम ध्यान नहीं देते, वो चीज को हमें ध्यान नहीं देते। इसलिए वो कहते थे भक्ति रखक श्रीधर जो कीर्तन कर रहे हो कम से कम ये कीर्तन क्या कर रहे हो कम से कम कीर्तन को थोड़ा ध्यान। अगर सचमुच से वो ध्यान देकर कीर्तन करेंगे ना हरि हरि विफले जन्म भवानु मानुष्य जन्म भैया राधा कृष्ण ना भजिया जानिया सुनिया बिसर भाई है, क्या अद्भुत कीर्तन है। नरोत्तम दास ठाकुर भक्ति विनोद ठाकुर क्या कीर्तन। अब गोपीनाथ मामा निवेदन सुनो, वो जो कीर्तन है तो गजब का कीर्तन है। अब देखना हृदय में मिला करके देखना सब मिल जाती है, सारी चीज एक भी चीज मिल जाएगी। गंदे किया कैसे हृदय में पड़े हुए गोपीनाथ ममन हमें क्या दो एक दो लाइन बोलो तो गोपीनाथ ममनी वेदना सोना हमी विषय दुर्जन सदा कमरत किछु नाही मोर गोना गोपीनाथ अमर भरसा तुमि तुमार चरणे लाइन शरण तुमार किंकर गोपीनाथ नियत चरणे स्थान मागे पामर कांदिया कांदिया करहे करुणा दान गोपीनाथ हमें की दोषेर दोषी असुर सकल पाइल मोचन कथा खेल जिनिस में जो को उघाड़ करके हृदय में जो जो हमारी गंदगियां बैठी हुई है इसलिए जब बैठे हुए है उसको पूरा वो निकाल देते हैं। इसलिए जो प्रभुपाद ने इस कीर्तन को क्यों रखा कारण क्या है, इसलिए ये कीर्तन भजन पर रखा ये सब प्रार्थना है। इसलिए गोस्वामी लोग कैसे भजन करते थे संख्या पूर्वक नाम गान नदी नदी मतलब एक एक प्रणाम करके जय श्री श्री गुरु गौरांग अंतर्विका गिरधर राधा विनोद पूरा साष्टांग लेते थे अपना गुरु जी का परम गुरु जी का खड़े हो जाते थे। हम कलयुग का जीव इतना कर नहीं सकते तो कम से कम खड़े होकर के जय श्री श्री गुरु गौरांग अंतर्विका सब गुरु वैष्णव को याद करो है, सब गुरु वैष्णव को याद करो। इसलिए प्रभुपाद ने यह नियम रख दिया। और प्रभुपाद ने क्या नियम रखा, सवेरे और शाम को बैठ करके कम से कम रोज रोज ये प्रार्थना करो हृदय को अपना हृदय को निवेदन अभय अमृत एक
न बुझनी प्रभु तुम्हारे चरण। जो कीर्तन है ना, मेरे गुरुदेव कहते थे एक लाइन, एक कीर्तन में जो एक लाइन, उसको अगर कोई जीवन में अपना लिया तो भगवत प्राप्ति हो जाएगा। मतलब इतने कीर्तनों के अंदर में इतने रहस्य छुपा हुआ, इतने रहस्य। मेरे तो वेद पुराण इतिहास ढूंढ करके जो चीज तुम्हें नहीं मिलेगा, भक्ति विनोद ठाकुर श्री नरोत्तम दास ठाकुर वो कीर्तन को सरल भाषा में उन्होंने दे दिया। इसलिए क्या करनी चाहिए, कीर्तन नहीं ठाकुर का चरण प्रार्थना। इसलिए यहाँ पर जो कीर्तन हो ना, कोशिश करना कीर्तन में जरूर आने के लिए, कीर्तन में जरूर आने के लिए कीर्तन कोशिश करना। ऐसे नहीं जाते हो अच्छी बात है, लेकिन जो सेवा के लिए नहीं जाते हो कम से कम कीर्तन तो बैठो। यही तो मंदिर का स्वभाव है ना, यही तो मंदिर का स्वभाव है। सब कर बैठ गए कीर्तन नहीं, मैं आ गया कोई एक पंडित दो पंडित किस तरह से बैठ जाते हैं। इसलिए किसको बोलने नहीं चाहिए है? नहीं तो क्यों हम ठाकुर जी का अन्न दूसरे व्यक्ति का अन्न खा रहे, विषय व्यक्ति का अन्न खा रहे, विषय अन्न खाई ले मलिन है मन, इसे घिसट करके फिर हमें मंदिर से ले जाएगा, मंदिर से विषय घिसट करके ले जाएगा फिर मंदिर से रख नहीं पाएगा। इसलिए रोज आकर के कीर्तन में क्या करो, रोज में आकर के बैठो कीर्तन में बैठो, कम से कम प्रार्थना कर तो हृदय से ठाकुर के चरण में प्रार्थना करो, ठीक है ना। इसलिए जो पर में सेवा करने के लिए जाते हो सेवा करना, और जो नहीं जाते हो हैं प्रसाद का समय तो पहले हैं, लेकिन जब कीर्तन भजन उसके बाद में। इसलिए हमारे एक सुरदास जी कहते हैं है? कहते ये मन को कह रहे हैं भोजन में आलसी, भोजन में होशियार। कहते जीवो कहते हैं, कहते भोजन विषय में तो पूरा है और भजन का समय में आलसता है, लेकिन भोजन का समय में होशियार है। नहीं, ऐसे नहीं होनी चाहिए है? इसलिए भजन में होशियार होनी चाहिए, भोजन में आलसी होनी चाहिए। निकले जाते हो चीटी बात है, लेकिन जब कीर्तन का समय हो कम से कम ज्यादा समय नहीं, आधा घंटा तो बैठे, कम से कम आधा घंटा बैठे भगवान का कीर्तन भजन पूजा हो रही, ठाकुर को सामने कर रहे, ठाकुर देख रहे सब के सब, बिना कारण इधर उधर करते होंगे और कम से कम कीर्तन ठीक है ना। कल ठीक है, जो नहीं जाते हैं एकदम जब मैं आऊंगा देखूंगा सब जैसे यहाँ पर बैठे बोलने नहीं मंदिर। इसलिए मन धीरे धीरे खराब होने लग जाएगा है। एक समय किसी ने एक व्यक्ति बोल दिया, अरे हम सब जानते हैं गौड़िया मठ को ये सब होता भक्ति वेदांत बामन गोस्वामी महाराज तो हो गए, जिस चीज को ब्रह्मा शंकर उद्धव नारद भी जिस प्रभुपाद जो चीज दिया, महाप्रभु जो चीज दिया है, कोई कहते ना अरे हम जानते सब क्या करते, बड़ी क्रोधित हो गई, बोले ब्रह्मा शंकर भी नहीं समझ पाए, उद्धव नहीं समझ, अब तू समझ गया अपना भजन साधन ठीक से क्या करो। इसलिए अपना भक्ति साधन को ठीक से क्या करो है। इसलिए दूसरों को दोष देखने से पहले एक चालनी समझ दो, जिसमें कह रहा है बोले तेरे पीछे एक छेद है, कितने में वो सुई कहता है, बोले अपना चुतर में देख कितना छेद है, अपना चुतर देखने से पहले दूसरा चुतर देखने से पहले खुद अपना चुतर को देख, दूसरों को देख दोष देखने से पहले अपना। कृष्णदास पर छिद्रान से न परिवर्ते, अपना छिद्र को ये गौर कृष्णदास महाराज महाराज को दूसरों को छेद देखने से पहले छिद्रान से न परिवर्ते, अपना छिद्र को पहले देख इसकी गलती को देखो, पहले अपना गलती को देखो मैं क्या गलती कर रहा हूँ, अपना गलती में ध्यान नहीं, उसने ऐसे किया। अरे पहले तो खुद देखो तुम क्या करते हो, खुद दूसरे को देख रहे हो पहले तो देखो। इसलिए जितने हम
दूसरों को देखेंगे क्या होगा, दूसरों की दोस्त देखते 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 सारे दोस्त तुम्हारे अंदर में आएंगे, सारे दोस्त तुम्हारे अंदर में। गुरु जी कथा सुनाते थे, बोले एक जगह पर एक वेश्या रहता था, एक साधु रहता था। वो जो वेश्या है ना, वो हर समय साधु को स्मरण करता था। अरे साधु कितने अच्छे हैं, देखो कितने लोग आते हैं, कैसे सत्संग हो रहा है, कैसे हरिकथा हो रहा है, और देखो मैं कैसे चरित्रहीन, कैसे लंपटी, कितना गंदी काम कर रहा हूँ। ये वेश्या सोचता था साधु को। जो साधु था ना, बोले देखो हर समय उधर नजर, देखो बदमाश दिन भर गंदा काम करती रहती, दिन भर गंदा काम करती रहती। एक बार भूचाल आ गई, भूताल चाल आ गया तो ये साधु को पास में आ गया जमदूत, और वेश्या को पास में आई विष्णुदूत। तुम कहां पर आए हो, तुम कहां पर आए हो, चले जाओ वहां पर, वेश्या वहां रहती है, हैं? वहां पर चल, भूल से यहां पर साधु रहता, मैं तो वेश्या किया है, इसलिए वहां पर चले जाओ। कहते हैं हम सही जगह, जमदूत कहते हैं हम सही जगह पर आए। बोले क्यों, बोले तुम क्या किस चीज की याद करता था, तुम हर समय किस चीज की याद करता था, हे साधु, लेकिन हर समय दूसरों का दोष, दूसरों का दोष, उसने इसे किया, उसने इसे किया था, कब दोस्त तुमने देखा, लेकिन है वेश्या, लेकिन हर समय वो साधु का चिंतन करता था, कैसे भक्ति करते हैं, कैसे भजन करते हैं। हम सही जगह पर, गलत जगह पर हम महाराज करते थे। महाप्रभु चीज को देखने के लिए आया, जो बैठे ब्रह्मा विरिंचिर बाचित जे प्रेम जगत भली लड़ाली। ये जो दुर्लभ प्रेम गोड़े बैठे दूसरों को देखने का जरूरत नहीं, अपना दोस्त को पहले देखो, हैं? अपना दोस्त नहीं देख रहे सारा दुनिया के दोस्त, ये किया, इसलिए नहीं देखनी चाहिए, ठीक है ना। इसलिए हर समय क्या करो, दूसरों को छिद्र दूर करने के लिए हमें कोशिश चाहिए, ठीक है। इसलिए रोज रोज कीर्तन में आना, बोलने की जरूरत नहीं है, कीर्तन थोड़ी समय होता है, उस समय भी कीर्तन कीर्तन तो मंदिर में फिर किस लिए आए। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं, इसलिए कहते महा, ये महाप्रभु कैसे हैं, दोष नहीं देखे प्रभु गुण मात्र ले। इसलिए महाप्रभु क्या करते हैं, क्या करते हैं, गुण मात्र लेते हैं। इसलिए भक्ति मोहन ठाकुर कहते हैं, क्या श्लोक है, अनुभ्यस्य बृहत्तमस्य शास्त्रे भवकुशलनरा सर्वदा सारमादत्त पुष्पवैव षटपद। जैसे मधुमक्खी हर पुष्पों के ऊपर बैठकर क्या ग्रहण करता है, मधु, फिर सुंदर मधुमक्खी छता बनाता है, जो ठाकुर के सेवा में ब्रज किशोर पर रोज ठाकुर के सेवा में मधु चारों तरफ में फूल ही फूल है, हैं? अगर अगर मक्खी आएगा ना, वो फूल के ऊपर नहीं बैठेगा, कहाँ बैठेगा, वो देखेगा कहाँ गंदा सजी पड़ा हुआ। लेकिन एक अगर मधुमक्खी आएगा तो अगर कहीं चार चार गंदा गंदा एक फूल है, वो जाकर कहाँ बैठेगा, वो फूल में जाकर बैठेगा, वो गंदी चीज में नहीं बैठता है। इसलिए हमें मधुमक्खी बननी चाहिए, हमें मक्खी नहीं बननी। कहते गुण मात्र लय, इसलिए यहाँ के श्लोक को उन्होंने उदाहरण दिया, बोले अहो बकियम स्तन काल कूटम श्लोक जिस समय कहते श्री सुखदेव गोस्वामी कहते है, भगवान कृष्ण कितने दयालु, कैसे पुतना भगवान में सारे दुर्गुण था, है? पहला नंबर राक्षसी, दूसरा नंबर में बच्चों का खून पीते थी, तीसरे नंबर में अपवित्र पुतना, और चौथे नंबर में भगवान के लिए चहर लेकर गया। भगवान दयालु, उनकी किसी दोष को ऊपर नजर नहीं दिया, लेकिन केवल उन्होंने कृष्ण को गोद में उठाया था, बोले इतने सुंदर लाला
प्यार करनी चाहिए, बस ठाकुर जी यही देखे। मेरे को मातृभाव से, बच्चे भाव से मेरे को गोद में उठाया, बस उन्होंने कौन सा पद दे दिया, गोलोक वृंदावन में चित्त पद दे दिया। कितने बड़े उन्होंने पद उनको दे दिया, कितने बड़े पद। श्री यहाँ पर श्री वृंदावन भगवान कितने दयालु है, तब श्रीमान महाप्रभु जाकर के गंगा में जाकर के स्नान किया, घर में आए और घर में आकर क्या किया, बोले तुलसी रे प्रदक्षिणा करी जलदान, विष्णु गृहे प्रदक्षिणा करी करे नमस्कार, सबे लय भोजन बसिया गौर हरि। यहाँ पर कह रहे हैं महाप्रभु स्नान करके आए, स्नान करके पहले उन्होंने तुलसी परिक्रमा किए, भगवान का जो विष्णु मंदिर को उन्होंने परिक्रमा किया, इसलिए हमारे क्या होता था, जब कोई स्नान करके आते थे सबसे पहले क्या करते थे, तुलसी पेड़ में पानी देते थे, परिक्रमा करते थे, तो चीज सबसे पहले हर घर घर में पहले तुलसी पौधा, स्नान करके सबसे पहले तुलसी में पानी। अभी भी हमारे उड़ीसा में आंगर में तुलसी वृक्ष है, स्नान करके आएंगे तो तुलसी वृक्ष में पहले पानी देंगे, उसकी परिक्रमा करेंगे तुलसी को, क्योंकि जो तुलसी बोलो कैसे तुलसी कल्याण करती, आठ तरह से कैसे एक तरह का और क्या करती, क्या बोलो, हाँ पीछे बड़ा पंडित सबसे बोलेगा, बोलो जोर से बोलो, प्रभु जी हाँ ये श्लोक को बोला, ये श्लोक में तुलसी आठ तरह से कल्याण, इस श्लोक को हो सके तो याद कर लेना, बहुत दृष्टवा अगर ये तुलसी को अगर हमने दर्शन कर लिया, इसलिए देखना हर हिंदू घर में सबसे पहले घर में क्या होता था, घर को सामने तुलसी वृक्ष रहता था, जब घर से निकलते थे तुलसी को दर्शन करके घर से निकलते थे, जब घर में आते थे तुलसी को दर्शन करके प्रवेश करते थे, इसलिए घर में को सामने अगर तुलसी वृक्ष हो ना, कोई भी कोई प्रतिकूल चीज नेगेटिव चीज आएगा तो घर में कुछ नहीं सकता, क्योंकि घर को सामने तुलसी वृक्ष, और इसकी वातावरण कहते जितना दूर तक इसका वातावरण फैला रहता है उतना दूर तो कोई अमंगल चीज वहां भटक नहीं सकती है। कहते अगर कोई तुलसी वृक्ष हो ना, अगर वज्रपात तो 100 फीट दूर में जाकर वज्र गिरेगा, उसको पास में नहीं आएगा, वज्र उसको पास में गिरेगा, गिर नहीं सकता, उसमें ऐसे शक्ति है तुलसी वृक्ष में, इतने शक्ति है, इसलिए हर घर घर में पहले तुलसी पौधा प्रणाम करना, तुलसी लक्ष्मी स्वरूपिणी है, लक्ष्मी इसे दृष्ट दर्शन करती स्पर्श करते हैं, इसलिए ये तुलसी कटी हर समय शरीर को स्पर्श करता है, दृष्टा स्पर्श तथा ध्याता, अगर तुलसी को कोई ध्यान करे, ध्यान से भी तुलसी कल्याण करती है, रोपिता अगर कोई तुलसी वृक्ष को रोपण करे, कहते जो तुलसी वृक्ष रोपण करते तुलसी वृक्ष रोपण नहीं करते हैं, कहते जो हृदय में कृष्ण भक्ति बीज को बते, इसे जो व्यक्ति तुलसी सेवा करते हैं ना अपने आप भक्ति मिलती है, तुलसी वृक्ष जो लगाते हैं हृदय में कृष्ण भक्ति को बीज को हृदय में वपन करते हैं, इसे सब लोग जाकर तुलसी की सेवा करना सबके सब, दृष्टा स्पर्शा तथा ध्याता कीर्तिता, जैसे अभी तुलसी की महिमा को सुन रहे हैं, इसको द्वारा भी तुलसी कल्याण करती है, इसलिए जो तुलसी को दिया जलाते हैं ना आरती करते हैं इसको द्वारा, अगर जो तुलसी को परिक्रमा करते हैं उसको द्वारा, और तुलसी को जो प्रणाम करते हैं कृष्ण भक्ति प्रद देवी सत्यवती नमो नमो, इसलिए ये चैतन्य महाप्रभु किया था। अभी भी हमारी हिंदू संस्कृति सनातन धर्म में घर घर में तुलसी रखना, पूजा करना, पानी देना तुलसी को, परिक्रमा करना, उनको तुलसी पूजा करना, तुलसी का साहित्य होता है ना, अभी भी ये सब काम हमारे हिंदू लोग सबके सब करते हैं, इसलिए कहते हैं विष्णु गृह प्रदक्षिणा नमस्कार करी, उसको बाद में तुलसी करके फिर विष्णु गृह में, इसलिए हम यहाँ पर अभी मंदिर है ही नहीं है, परिक्रमा करने का सुविधा नहीं, लेकिन हम लोग आरती के बाद में क्या करते हैं, जय राधे जय कृष्ण।
जय वृंदावन बोल करके तुलसी की मंदिर को हम लोग भी परिक्रमा करते हैं, मंदिर भगवत मंदिर को परिक्रमा करते हैं। इसलिए ये करके श्री चैतन्य महाप्रभु हरे भक्तों को लेकर के क्या कहते हैं, भोजन करते हैं। कहते अभी जो भोजन कर रहे हैं अभी कैसे लग रहा है, यहाँ पर कह रहे हैं जैसे श्रीमान श्री कृष्ण चंद्र जब सखाओं को साथ में गोचारण करने के लिए जाते थे, जब सखाओं को लेकर के बैठ करके भोजन करते थे, सखाओं को लेकर के जैसे भोजन करते थे, जैसे पुलिन भोजन है, हैं? जब घर में हमारी भजन भक्त वत्सल श्री गौर हरि वो भजन में गाते है ना सारी सारी, क्या है सारी सारी बोलो कीर्तन किया। इसलिए कृष्णा जब भोजन करते हैं वो अकेले नहीं भोजन करते हैं, पूरा दोस्तों के साथ सखा जितने सारे मधुमंगल कृष्ण अर्जुन सबके सब लाइन करके बैठते बैठ करके कृष्ण सबको साथ में एक कट भगवान कृष्ण भोजन करते हैं। इसलिए यहाँ पर महाप्रभु जैसे भक्तों को साथ में प्रसाद करता है मिले गौर प्रेम धन। ये अध्याय को अगर अगर प्रथम अध्याय अंतलीला का प्रथम अध्याय कभी इसको श्रवण करने का फल क्या है, बोले श्रवण करने का फल है अगर इसको कोई भी श्रवण करेगा महाप्रभु का प्रेम धन इसको जरूर उसको प्राप्त होगा। इसलिए जो चैतन्य भागवत ग्रंथ है अब हर जगह में देखना केवल भक्ति की महिमा प्रेम की महिमा प्यार की महिमा चैतन्य भागवत। इसलिए अक्सर करके हमारी गौड़िया मठ में जो ग्रंथ पढ़ाई होता है ना इसको पढ़ने से अपने आप सारे भक्ति सेवा प्रेम चीज क्या चीज है इसमें। इसलिए कहते निरंतर पाठ भले कुबुद्धि जाए वे चले कृष्ण प्रेम लभी वे ब्रह्मत। अगर निरंतर कोई चैतन्य भागवत को अध्ययन करते हैं कहते कुबुद्धि जाए वे चले उसका हृदय में सारी कुबुद्धि चली जाएगी और कृष्ण प्रेम लभी प्रमोद कृष्ण प्रेम उसको प्राप्त होगा। लभंचाकल्प दुर्भश्च कृपा सिंधु भैवच पतितानंग पावनेभ्यो श्री वृंदावन दास ठाकुर की सचिनंदन की। हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे राम
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna.